हमारी टीम ने नागदा के इतिहास को खंगालने का प्रयास किया है। नागदा का नाम कैसे प्रचलित हुआ? मान्यता है नागदा राजा जन्मेजय द्वारा बसाया गया एक प्राचीन नगर है। राजा जन्मेजय पांडव वंश के एक हिंदू राजा थे। पुराणों में उल्लेख के अनुसार नागदा का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ राजा जन्मेजय ने नागू अर्थात सांपों का दहन किया था, अर्थात सांपों को जलाया था। एक कथा का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार अपने पिता परीक्षित के मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रतिशोध स्वरूप जन्मेजय ने नागदा में नागदा यज्ञ किया था। कथा के अनुसार कलयुग के आरंभ में राजा परीक्षित ने वन में मिले मरे सांप को तपस्यारत श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया था। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि 7 दिन में उन्हें तक्षक नाग के डसने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। प्रतिशोध के फलस्वरूप जन्मेजय ने नागदा यज्ञ किया। इसके चलते एक करके सांप उस यज्ञ की आहुति में जलने लगे। अभी हम देखे नाग की जो टेकरी है, जिसको नाग की टेकरी कहा जाता है, जहाँ पे नागों का ये दहन हुआ था, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। नाग जो नीचे बीच के हिस्से में, जो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचा है वो, और कितने जो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पे पूरा डिक पहाड़ सा बना है, कि पहाड़ जो बना है, कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ होगा, कितना आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो यज्ञ की जो मतलब कितना बड़ा यज्ञ हुआ होगा, जब ये इतना बड़ा जो पहाड़ टाइप का जो पूरा बन के खड़ा हुआ है। ये यज्ञ की जो राख है, जहाँ पे नागों का दहन हुआ था, यहाँ नागों का जो राख है, राख जहाँ इकट्ठी हुई थी, तो सोचिए कि कितना बड़ा यज्ञ हुआ होगा। और ये भी मैं साइड में कैमरा मैन को कहूँगा, यहाँ दिखाएं कि ये जो इस साइड में भी जो ये पूरा टीला सा दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ सा दिख रहा है, ये भी उसी यज्ञ का हिस्सा है जहाँ पे नागों का दहन हुआ था। आज भी यहाँ पे अवशेष, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है अवशेष आज भी खुदाई की, जब हम खुद अब थोड़ा सा भी हम कुछ खोदेंगे तो यहाँ पे जो महाभारत काल के जो इतिहास है, वो यहाँ से इतिहास के जो साक्ष्य है, वो यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से कई चीज़ें और पुरातत्व विभाग वालों ने भी एकत्रित की है और इकट्ठी की है, और ये वहाँ पे जो इसको लैब में भेजेंगे, और लैब के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे जो इसको लैब में भेजने के बाद में इसकी जांच होगी। अगर ये सही सत्य पाया जाता है तो नागों की जो टेकरी है, नागों का ये पहाड़ है, इसे जो है दर्शन स्थल के रूप, जैसे महाकाल लोक है, उसी प्रकार नाग लोक का बनाया जाएगा। यहाँ पे नागों का जो ये दर्शन करने के लिए लोग यहाँ से दूर दूर से आएंगे, और यहाँ पे एक बहुत मतलब नागदा को एक अपनी पहचान मिलेगी। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये पत्थर दिखाएं। ये जो पत्थर है, ये भी इस समय के नहीं है, काफ़ी पुराने पत्थर हैं जो यहाँ से खुदाई के भी अभी भी पुरातत्व वालों ने भी इकट्ठे किए हैं, और आज भी निकल रहे हैं ये पत्थर यहाँ से। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराने पत्थर हैं यहाँ पे, जो महाभारत काल के करीबन 5000 वर्ष पुराने पत्थर हैं ये, यहाँ से जो इकट्ठे हो रहे हैं। और अब इधर से देखिए, ये पूरे ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी राख है, ये राख हुआ करती थी यहाँ पे। जो आप इसका कलर भी देख सकते हैं कि राखों का कलर है, ये पूरा जो वहाँ पे यज्ञ हुआ था उसमें जो राख बनी थी, आज राख उसको सूख के वो पहाड़ बन गई है, पूरा पहाड़ है। यहाँ पे जो सांपों के बड़े बड़े बिल भी बन गए हैं, यहाँ पे कितने बड़े बड़े बिल हैं, यहाँ पे जो नागों का डेरा बन चुका है। पर ये काफ़ी हजारों साल पुरानी जो ये पूरी टेकरी है, जिसे नागदा टेकरी के नाम से जाना जाता है। 1975 में भी पुरातत्व विभाग अवशेषों की खुदाई कर चुका है यहाँ। आज नागदा में बटू बुड़ाना की शिकायत पर एक पुरातत्व विभाग का दल भी नागदा पहुँचा, जिन्होंने यज्ञ से हुए पहाड़ नुमा टेकरी अवशेष एकत्रित किए, जिन्हें जांच के लिए भेजने की बात कही गई। सभी अवशेषों को जांच करने पर ही पता लगा कि ये कितने वर्ष पहले के अवशेष हैं। आपको बता दें, 1975 में भी पहले यहाँ खुदाई का काम हो चुका है। जिस प्रकार से जो नाग टेकरी को जो ये नागदा का जो टेकरी कहा जाता है, इसे इसको धरोहर बनाने के लिए कुछ लोगों ने पहले भी एक पहल कर चुके थे, जिन्होंने कुछ मतलब राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर उनको अवगत कराया गया था। कुछ लोग यहाँ पे एक हमारे साथ में एक व्यक्ति मौजूद है जो यहाँ पे बताएंगे कि जिन्होंने भी अपनी कागजी कार्रवाई करके भी एक इसको नागदा को इस नाग टेकरी को धरोहर करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास करें। क्या नाम है आपका? बंटू बुड़ाना सर नाम। बंटू जी, मतलब आपने पहले भी एक जो कुछ किसी तरह से जो इसको धरोहर बनाया जाए, किसी तरह से नागदा टेकरी को जो ये धरोहर बनाया जाए, जो पुरातत्व विभाग को एक पत्र भी लिखा था आपने, कुछ कार्रवाई भी की थी, क्या कार्रवाई थी वो? सर, मैं 2008 से इस टेकरी के संरक्षण के लिए कार्रवाई कर रहा हूँ लगातार। मैंने पुरातत्व विभाग भोपाल, पुरातत्व विभाग नई दिल्ली, धर्मस्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे यहाँ के सामाजिक न्याय मंत्री जो थे पूर्व में थावरचंद जी गहलोत साहब, नगरपालिका SDM सर, कलेक्टर सर, सबको पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया था कि नागदा शहर में महाभारत कालीन
समय का एक नागों का दह यज्ञ है जिसे संरक्षित स्मारक घोषित किया जाना चाहिए। तो कम से कम कितने वर्ष पुराना ये इतिहास है, कितने साल जो कम से कम कितना साल रहा होगा, क्या अभी भी अवशेष मिलते हैं यहाँ पे? बिल्कुल अभी भी अवशेष मिलते हैं। कई बार पुरातत्व विभाग की टीम ने और शोधकर्ताओं ने आकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के शोधकर्ताओं ने शोध किया और उसमें बताया कि यहाँ पर चतुर शताब्दी के अवशेष हैं। और अपने कुछ पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर जीवों, जमीन पर रेंगने वाले जीवों की राख है। अब जमीन पर रेंगने वाले जीव में सांप सबसे पहले ही प्राथमिकता मिलती है सांप। तो आपने भी, हमने भी सुना है कि हमारी टीम ने भी ये जानकारी निकाली थी कि आपने भी कुछ जो कागजी पर कार्रवाई की थी, लिखित में भी कार्रवाई की गई, तो क्या कार्रवाई थी वो? सर मैंने यही है कि यहाँ पर सारा जो अवशेष और इसके पुराणिक किताबों में जो तथ्य थे उसको एकत्र किया और पुरातत्व विभाग की साइड पर भी लिखा था कि जो मध्य प्रदेश में पुरातात्विक स्थल है उसको संरक्षित करने का हमारा जिम्मा है। तो मैंने पुरातत्व विभाग के पूर्व के जो आयुक्त थे अनुपम रजन सर, उनको मैंने लेटर देकर के कहा था कि आप इसको संरक्षित करें। तो उन्होंने 2017 में पुरातत्व संबंधित अधिकारियों की टीम भेजी थी और उसमें उन्होंने पुरातत्व रिपोर्ट यहाँ पर जो भेजी थी उसमें बताया था कि यहाँ पर अति महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया जाना चाहिए। और मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर आप इसका संरक्षित की कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं आपके विरुद्ध हाईकोर्ट के में जाऊँगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये थे, इन्होंने बताया था कि पहले भी हमने जो है लिखित में भी कार्रवाई की थी, संबंधित अधिकारियों को लेटर भी पत्राचार के माध्यम से भी संपर्क किया था और उनको लिखित में भी कहा था कि ये एक वाकई में कि ये जो है महाभारत काल का जो है एक ऐतिहासिक पौराणिक जो धरोहर है यहाँ पे नागों का दहन हुआ है, यहाँ पे अभी भी जो अवशेष निकलते हैं। इन्होंने कागजी कार्रवाई भी की थी, जो हमारे पास में ये मौजूद है, देख सकते हैं आप हमारे साथ में, ये यज्ञ हुआ था, इस प्रकार से यज्ञ हुआ था, यहाँ पे ये यज्ञ किया गया था जिसमें से धरती पे से और आसमान से सभी नाग आके इस यज्ञ में गिरे थे। और दूसरी बात, फिर इन्होंने जैसे यज्ञ तो हुआ था, फिर नागदा का इतिहास काफ़ी पुराना है, कुछ समाचार पत्रों ने भी इसे अपने प्रमुखता से प्रकाशित किया हुआ है, यहाँ पर नागदा का जो इतिहास है काफ़ी साल पुराना है। और जिस प्रकार से ये आप देख सकते, ये इन्होंने अभी सभी चीज़ें कलेक्ट करके रखा है कि यहाँ पे जो नागों का जो वाकई में एक यहाँ पे जो एक इतिहास है वो काफ़ी साल पुराना है। और जो है इन्होंने भी जो किसी प्रकार से अधिकारियों को संबंधित, ये लेटर लिखा था मैंने 2016 में आयुक्त पुरातत्व विभाग को, उसके आधार पर ही पूरी कार्रवाई चली और उसमें जाँच वाँच हुई तो ये सारी चीज़ें सामने आई। और इन्होंने लिख रखा था कि हमारी ये जिम्मेदारी है जो पुरातत्व संबंधित स्थल है उनका हम सर्वेक्षण करें, इसी को आधार बनाकर मैं कार्रवाई के लिए उनको कार्रवाई की थी। तो फिर जब कार्रवाई नहीं, उन्होंने जांच की रिपोर्ट नहीं दी, तो मैंने RTI का सहारा लिया और RTI में बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी और मुझे पूरी डॉक्यूमेंटली और अधिकारियों की टीम ने पुरातत्व विभाग ने नगर पालिका को जिम्मेदारी सौंपी है कि नगर पालिका इसको संरक्षित स्मारक घोषित करे और कार्रवाई करे। हमें तो अभी कुछ दिन पहले नागदा को इसको जो ठेकरी को जो किया जाएगा, हाँ, नगर पालिका नागदा ने हमारी मांग पर 2012 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें लिखा था कि जूना नागदा क्षेत्र का जो ठेकरी स्थल है उसको पर्यटन स्थल घोषित करेंगे। फिर कार्रवाई नहीं हुई तो हमने 2019 में जब अशोक जी मालवी नगर पालिका के अध्यक्ष बने उनको पत्राचार किया, उन्होंने भी 2019 में ठेकरी के संरक्षित स्मारक घोषित करने की कार्रवाई की। इन्होंने फिर पुरातत्व इसको नगरी प्रशासन मंत्रालय से कुछ पैसे भी मांगे थे लेकिन स्वीकृति नहीं हुई। अब उसके बाद फिर अभी नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी जी गहलोत है, उनसे भी हमने निवेदन किया कि महाकाल लोक की तरफ पर यहाँ पर नाग लोक का निर्माण किया जाए, क्योंकि जितना पुराना इतिहास महाकालेश्वर मंदिर का है उससे भी पुराना इतिहास जूना नागदा क्षेत्र का है, जिसे हम देख भी सकते हैं, परख भी सकते हैं। और जांच रिपोर्ट में अधिकारियों ने स्पष्ट बताया भी है कि ये वास्तव में पुरातात्विक स्थल है। नागदा का इतिहास काफ़ी पुराना, करीब 5000 साल पुराना नागदा का इतिहास रहा है और राजा परीक्षित थे उनको वरदान था कि नागों के काटने से ही उनकी मौत होगी और जो नागदा का नाम इसी को लेके ही नागदा का नाम पड़ा था। नागदा का जो राजा परीक्षित को वरदान था कि नागों के काटने से उनकी मौत होगी और जिसको लेके राजा जनमेजय ने अपने पिता की मौत के बाद ये यज्ञ करवाया था। और जहाँ पे हम खड़े हैं आप देख सकते हैं, कैमरा मैन को कहूँगा कि दिखाएं यहाँ पे कि किस प्रकार से एक पहाड़ सा बना है, यहाँ पे नाग का जो दहन हुआ था, इसी राख, ये पूरी राख है, नीचे दिखाना चाहिए, ये पूरी राख है, इसको अगर खोदते हैं तो यहाँ से पूरी राख निकलती है। यहाँ पे यहीं पर राजा परीक्षित को वरदान था कि उसकी मौत नागों के काटने से होगी और राजा जन्मेजय ने यहीं पर एक यज्ञ कराया था, जो जिसमें धरती पे नाग थे वो इसी हवन में आके गिरे थे, जिसको लेके हम यहाँ पे आज पुरातत्व विभाग की टीम भी पहुँची है यहाँ पे, जो यहाँ पे जानकारी निकालने के लिए, और कुछ लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या इतिहास रहा है नागदा का। ये
भारतीय मानवाधिकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक्चुअली कुछ गांव वालों के हमारे पास इन्हें सुझाव आए थे, बट हमको ही मालूम है कि नागदा का 5000 साल पुराना इतिहास है जिसको कि हमको संरक्षित रखना है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं और बढ़ते आ रहे हैं अतिक्रमण। तो हमारा ये था कि इस जगह को संरक्षित रखा जाए और अतिक्रमण से इस जगह को बचाया जाए। तो इसके संबंध में हम लोगों ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री रेड्डी जी को एक पत्र लिखा था और यहाँ के संरक्षण की मांग करी थी, जिसके संबंध में आज दिल्ली और भोपाल की संयुक्त टीम आई है सर्वे के लिए और अपना सर्वे कर रही है। आप देखेंगे इसे मैडम खड़ी हुई है सामने और टीम लगी हुई है, अभी ये अपना एक सर्वे कर रहे हैं। इसके बाद में अगर पोटेंशियल कुछ मिलता है तो इसको ऐतिहासिक नगरी घोषित करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। नहीं, जैसे मैंने, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ साल पहले भी यहाँ पे एक पुरातत्व विभाग की टीम आई थी जिन्होंने यहाँ पे खुदाई करी थी, यहाँ पे कुछ जो अवशेष लिए थे उसके बाद में कुछ प्रोसेस हुआ था? नहीं, राज्य सरकार की टीम आई थी यहाँ से पुरातत्व वालों के माध्यम से। तो यहाँ पे इन लोगों ने शायद नगर पालिका को एक लेटर दिया था संरक्षित करने के मामले में, बाकी वो फाइल अभी तक पेंडिंग है राज्य सरकार के द्वारा जो नगर पालिका को जारी करी गई थी फाइल। एक्चुअली हमारा जो मामला अभी केंद्र सरकार के द्वारा करा गया है। तो ये जो आपसे पूछेंगे कि ये कितना वर्ष पुराना ये इतिहास है, कितने साल पुरानी कहानी है? लगभग 5000 साल पुराना। क्या इतिहास, क्या इतिहास है इसका? तो वही जो अभी राजा परीक्षित के जो हवन कराया था और उसमें जो सांपों का, राजा परीक्षित के काटने के बाद जो हवन किया गया था और उसमें जो सांपों ने आके आहुति दी थी, ये वो जगह है। और एक सांप जो है तक्षक नाग बचा था, उसी के सारे वंशज आज नागदा में घूम रहे हैं, ये इसका इतिहास रहा है। तो जिस प्रकार देखे अब हम देख सकते हैं कि यहाँ आसपास में काफ़ी जो गंदगी भी है, काफ़ी जो एक नाला बह रहा है, गंदगी का जो नाला बह रहा है, तो ये इसको आपको लगता है कि जैसे ये जो अगर ये कुछ धरोहर बना दिया जाएगा तो ये इस प्रकार से इस आगे जो यहाँ पे एकदम वो होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जब अगर आज अगर हम लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं और किसी चीज़ को अगर प्रण ले लें कि हमको करना है तो वो बराबर देखें। मेरा ये कहना है अगर ये मामला अगर केंद्र सरकार तक पहुँचा है तो इस जगह को संरक्षित रखने के लिए जो भी आसपास का अतिक्रमण है हटाया जाएगा और कोई भी नया निर्माण अगर होता है तो उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पे एक अभियान चला रखा है कि जो अतिक्रमण करके बैठे हैं उनका अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, तो ये इसको लेके भी ये क्या मतलब यहाँ पे कि जो अतिक्रमण किया वो टूटेगा? नहीं, उस मामले में अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम उसमें ही पहल करेंगे अपनी, बट अभी जो मामला है इसी पर हम फोकस कर रहे हैं। नहीं, इसी की बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पे जो ये जो टेकरी है इसके आसपास में जो कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है यहाँ पे, तो उसको लेके क्या बोलेंगे? मतलब बिल्कुल अगर ये मामला अगर जाता है तो बिल्कुल अतिक्रमण हटाया जाएगा उसमें। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे जो आसपास के यहाँ के रहने वाले हैं, जिन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो इतिहास है काफ़ी पुराना है और यहाँ पे करीबन 5000 साल पुराना इतिहास है जहाँ पे जिसको लेके नागदा का नाम पड़ा था और यही वो टेकरी है जहाँ पे राजा परीक्षित ने अपने पिता की राजा परीक्षित के मौत के बाद उसके पुत्र राजा जन्मेजय ने ये यज्ञ कराया था यहाँ पे, जिसमें धरती पे जितने सृष्टि पे जितने नाग थे यहाँ पे इसी जगह पे नागों का दहन हुआ था और यहीं पे आके यज्ञ में गिरे थे और उनकी मतलब धरती से नागों का एक तरह से समूह खत्म हो चुका था। कैमरा पर्सन दिव्यांशु के साथ मैं संजय शर्मा, नागदा। खबर भारत वर्ष के लिए नागदा से हमारे संवाददाता संजय शर्मा की स्पेशल स्टोरी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।